मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज ऐतिहासिक फैसले के दिन कैसा रहा मुमरा शहर का बंदोबस्त और कैसी रही मुमरा शहर में शांति। सुप्रीम कोर्ट ने आज राम मंदिर पर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया गया है। शिया वक्फ बोर्ड का भी दावा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले पर पूरे देश में शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। मुमरा शहर में भी सुरक्षा के लिहाज से भारी बंदोबस्त रहा। पुलिस प्रशासन और धर्म गुरुओं की तरफ से पहले से ही अपील की गई थी फैसला किसी के भी पक्ष में आए, मगर लोग अमन और शांति बनाए रखें। और आज फैसला आने के बाद मुमरा शहर में अमन और शांति के उस पैगाम का स्वागत किया गया। मुमरा शहर में पुलिस बल तैनात रही, साथ ही डीसीपी सुभाष भोरसे, एसीपी घोसालकर और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मधुकर कड़ की मुमरा शहर पर नज़र बनी रही। मुमरा शहर में अमन और शांति बनी रहे। इस ऐतिहासिक फैसले पर क्या कहा है जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी और श्री शनि मारुति मंदिर के सदर कांतिलाल वाघमारे ने। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आला अदालत है, हम उस अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। अगरचे फैसला हमारे हक़ में नहीं आया है, मुल्क के जो उलमाए किराम हैं, ख़ासकर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन, इनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है कि इन लोगों ने मस्जिद के लिए बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाई लड़ी, निचली अदालत से लेकर के आला अदालत तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 हफ्ते से हमारे मुल्क के तमाम उलमाए किराम, तमाम कायदीन और गैर मज़हब के भी कायदीन, इन लोगों ने एक अपील की थी कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आने वाला है, इसमें किसी किस्म की कोई बुराई, कोई लड़ाई, कोई फसाद नहीं होना चाहिए। मुमरा शहर की तो एक तारीख़ रही है कि मुमरा शहर में कभी फितना और फसाद नहीं होता है। मुमरा शहर के लोग बड़े अमन परस्त हैं, हर कोई भी मामला हो मुमरा शहर के लोग अमन शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हर एतबार से मुमरा शहर से एक अच्छा मैसेज जाता है जो पूरे हिंदुस्तान में लोग देखते हैं कि मुमरा में कभी फितना और फसाद नहीं होता है। वो भी फैसला होगा हम उसको कबूल करेंगे और वैसी सभी जगह आपके माध्यम से ये बातें पहुँच भी गई थी और इसके ज़रिए कुछ मीटिंग हुई थी और उसका जो सबूत है जो आज मुमरा में शांति हुई, तो मेरे ख्याल से सभी जाति धर्म के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो अपना उसका आदर करना, उसका सम्मान करना अपना काम था। और मैं मुमरा कौशल का सभी लोगों का आभार मानता हूँ कि आज उन्होंने जो एकता की मिसाल है वो सही में कायम रखी है। आप देखो आज सुबह से आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ कि मुमरा में कहीं भी कुछ हुआ नहीं, वो सभी जाति धर्म के लोग का एक अच्छा एक मिसाल है। वो आपके जरिए मैं मीडिया के जरिए पहुँचाना चाहता हूँ कि मुमरा में कभी भी इसके पहले भी जाति धर्म पे कभी कुछ बंटवारे के बारे में या कुछ के बारे में कुछ न्याय नहीं हुआ। आज जो न्याय हो गया वो सभी दोनों धर्म को मान्य है और हर जगह शांति बनी रही, मुमरा में भी अच्छी शांति बनी रही। और हमने देखा है कि सभी लोग इसमें शामिल हैं, खास करके हमारे जो पुलिस बांधा उसने भी आज अच्छा सहयोग दिया, सहकार दिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उसको अपना एक्सेप्ट करना मानना है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, सभी धर्म के लोगों का मैं आभार मानता हूँ कि आपने देखा कि मुमरा में सुबह से कोई भी किधर कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लोगों ने सही दिल से, अच्छे दिल से और मन से उस सुप्रीम न्याय देवता का स्वीकार किया है। और मैं सभी लोगों का आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया बोलता हूं कि आप मुमरा में जो बोला वो करके दिखाया। सुना आपने, मुमरा भाईचारे का मिसाल है और इस ऐतिहासिक फैसले पर मुमरा शहर में अमन और शांति बनी रही। और मुमरा ही नहीं, पूरे देश ने इस ऐतिहासिक फैसले को दिल से स्वागत किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।